नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। कुछ दिनों पहले ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीएसएनएल ने दूर संचार की दिग्गज कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन को पीछे छोड़ते हुए अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ा ली है। अगर ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि रिलायंस जियो नए ग्राहक जोड़ने में अक्टूबर में सबसे आगे रहा और कंपनी ने करीब 1.05 करोड़ नए ग्राहक अपने साथ जोड़े। वहीं उसके बाद बीएसएनएल दूसरे स्थान पर रही, जबकि बाकी दूर संचार कंपनियों के ग्राहकों में कमी दर्ज की गई है। ट्राई ने अपने बयान में कहा कि सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड जियो के बाद दूसरी कंपनी रही जिसके ग्राहकों में बढ़ोतरी हुई और कंपनी ने अक्टूबर में कुल 3.6 लाख नए ग्राहक बनाए और अपने कुल ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर 11.34 करोड़ कर ली है। आर्थिक विश्लेषकों की माने तो जब से मोदी सरकार आई है तभी से सभी विभागों में काम तेजी से होने लगा है और सभी काम सही समय पर होने लगा है और इसी का नतीजा है कि बीएसएनएल ने संचार क्षेत्र की दो दिग्गज कंपनियों एयरटेल और वोडाफोन को पीछे छोड़ दिया है। नहीं तो किसी जमाने में सरकारी कंपनी बीएसएनएल का मजाक उड़ाते हुए लोग कहते थे कि ये बीएसएनएल नहीं है, इसका पूरा नाम भाई साहब नहीं लगेगा है। जो भी हो, जब से सरकार बदली है बीएसएनएल की किस्मत भी बदल गई है।